पहले भी राजपाल जी, विजय राज जी, इतने सारे कलाकार हैं, क्या कहने लगे, कितना एक्साइट हैं आज के शूट को लेकर? आज के शूट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा जो सब्जेक्ट है कुछ इसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम हर जो एपिसोड करें उसमें सब सब अलग अलग स्टोरीज़ हैं। साजन जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टोरीज़ लिखी हैं और आज के शूट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऊपर से मुकेश तिवारी जी हैं एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सो रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हिम। एक वेब सीरीज में साजन अग्रवाल जी ने इतने सारे टैलेंटेड कलाकार को एक साथ जमा किया, क्या कहना चाहेंगे कि उनका एफर्ट जो है कितना ज़्यादा यू नो सक्सेस आपको नज़र आ रहा है, कितना होपफुल है? नहीं, होप मैं बहुत ज़्यादा, मुझे होप है इस वेब सीरीज से, क्योंकि साजन जी ने एक एक एपिसोड जो लिखा है वो बहुत ही अलग तरीके से लिखा है, और जो अलग अलग जो एक्टर्स भी आ रहे हैं, सारे मजे हुए कलाकार हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और सबके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर एक आर्टिस्ट हैं, तो इन लोगों के साथ करना लाइक इट्स रियली गुड थिंग फॉर मी, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर चीज़ में इट्स गोइंग गुड। और जिस तरह का रोल निभा रही हैं, पावरफुल रोल है काफ़ी, नो काफ़ी सैंपल भी है, अट्रैक्ट करेगा लोगों को, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा आपने मतलब रिसर्च किया, कोई ऐसा देखा है, कोई ऐसा ऐसा कोई रियल इंसिडेंट देखा जो आप? यस, मैंने फिल्म तो देखी थी, जैसे ये शुरू होने से पहले भी या बीच बीच में जैसे मैं देखती रहती हूँ, चमेली करीना कपूर की जो फिल्म देखी मैंने, और रज्जो देखी मैंने कंगना रनौत की, एंड बस ये फिल्म मैं देख के तो थोड़ा थोड़ा सा प्रिपरेशन तो मैंने किया था कि कैरेक्टर में आने के लिए, और कुछ और मैंने रियल सर्च भी किया था इस चीज़ को लेके, तो यस। तो किसी किरदार को निभाने के लिए उसको मतलब हकीकत में लाने के लिए क्या करते हैं आप, किस तरह से खुद को तैयार करते हैं? क्योंकि ये एक मोमेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जब आप कुछ चीज़ कर रहे होते हो उससे पहले उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने चमेली फिल्म देखी, रज्जो देखी, और मैंने जो रियल कैरेक्टर्स भी देखे, तो उस चीज़ को लेके वो सोचना पड़ता है सबसे पहले दिमाग में, कि एक वो जो गरीबी वाली लाइन है, क्योंकि हर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा होता है, तो वो हर एक मोमेंट से गुजरता है। तो इसमें एक प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी है जो बहुत ही गरीब होती है, और वो उस गरीबी रेखा से और कैसे ऊपर जाती है, किस तरीके से वो सबको एक मैसेज दे के जाती है, वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों का दिल देखो। तो उस चीज़ को छोटी छोटी एक बारीकी जो होती है वो दिमाग में लेके चलनी पड़ती है, कि वो किस टाइम क्या सोच रही होती है, दिल अच्छा है, लोगों को मैसेज भी अच्छे देके जा रही है, और सबके लिए वो अच्छा ही कर रही है, तो वो चीज़ साथ में लेके मैं चल रही हूँ। तो आपकी जर्नी करना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई थी आपकी एक्टिंग जर्नी की, क्या चैलेंजेस था, पहला प्रोजेक्ट क्या था, और अभी तक का जो सफर थोड़ा सा क्या? हाँ जी, एज एवरीबडी नोज दैट आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, अभी मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है यहाँ पर मुंबई में, तो जर्नी थोड़ा सा हार्श रही है, आई थिंक सबको लेके सबकी जर्नी एक जैसी होती है, मेरी भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आई हैं और मैं सब चीज़ों को फेस भी किया है, तो बट इट वॉज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, आई मीन इट्स अ लर्निंग प्रोसेस आई थिंक एज आई बिलीव, एंड मुझे इसको कंटिन्यू ही करना है बिकॉज आई हैव टू जस्ट रीच देयर। तो हरियाणा के लड़कियाँ स्पोर्ट्स में हो गया या कल्पना चादर हो गया, हर फील्ड में स्थापित किए, तो कितना ज़्यादा आप प्राउड फील करती वहाँ के, और क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा आगे मुकाम जो हासिल करेंगी, तो अपने राज्य का, अपने जगह का नाम? यस, आई एम रियली प्राउड दैट आई एम फ्रॉम हरियाणा, बिकॉज आज के टाइम में जो लड़कियाँ एक सिर्फ चूल्हे पर बैठी रहती थी, जो लड़कियाँ सिर्फ एक सिर्फ खेती में घुसी रहती थी और सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना उनका काम होता था, अब वो सब लड़कियाँ बाहर निकल के आ रही हैं, कोई अखाड़े में जा रही है, उन लड़कियों के ऊपर पिक्चर्स बन रही हैं, और जैसे मल्लिका शरावत है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो निकल निकल के आ रहे हैं, तो अब हरियाणा भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट। रणदीप हुड्डा एज इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन अवर इंडस्ट्री, सो आई थिंक वी गोइंग टू रॉक। हाल ही में मुलाकात आपसे हुई थी एक शो रिकॉर्डिंग में, प्रोजेक्ट कर रही हैं कश्मीरी लड़की का, वो बताइए कि उसको लेकर कितना एक्साइटेड है? हाँ जी, उस कैरेक्टर को लेकर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, दहीसर चेक नाका मेरी मूवी का नाम है, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे विमेन बेस्ड स्टोरीज करनी है, जो कि आई थिंक टच गुड, आई एम ब्लेस्ड विद इट एंड आई एम डूइंग इट, तो इट्स ऑन वुमेन ट्रैफिकिंग एंड वी गोना स्टार्ट लाइक सून इन दिस मंथ, ओनली इन नवंबर, सो फ्रॉम 20th वी गोइंग टू कश्मीर, सो लेट्स सी, आई हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फॉर दैट।